हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से CHSL 2018 में काफ़ी सारे लोग फेल हो गए। टीयर वन में बहुत अच्छा स्कोर किया, टीयर टू में 0 नंबर दे दिए गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा लिखा था या फिर कुछ ऐसा कर दिया था कि बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था, उन्होंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से उन्हें 0 नंबर दिए गए। पहले उनकी कॉपी इवेल्युएट की गई, इवेल्युएशन के बाद उन्हें 100 में से आपको लगभग 60, किसी को 65, किसी को 70 नंबर दिए गए, और उसके बाद में काट के 0 कर दिया गया। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि उनके मार्क्स 0 क्यों किए गए, ऐसा क्या हुआ है इस बार, पिछली बार ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझो, एक होता है हमारे पास UFM। UFM का मतलब क्या होता है? अनफेयर मीस। ये जनरली 2 तरीके से लगाते हैं, ठीक है। एक होता है नेम के लिए और एक होता है एड्रेस के लिए। वैसे और रोल नंबर फ़ोन नंबर के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली नेम एंड एड्रेस के लिए ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि फ़ोन नंबर और रोल नंबर कोई अंदर लिख के आता नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि UFM में है क्या और किन किन एस्पिरेंट्स को CHSL 2018 में 0 नंबर मिले। अब ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी जो CHSL 2019 आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से आपका पेपर स्टार्ट है, जब मेंस होगा आपका, टीयर टू होगा, टीयर टू में आप डिस्क्रिप्टिव दोगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी टीयर टू में, जो इन लोगों ने करी जिसकी वजह से इन्हें 0 नंबर मिले। अब CGL 2019 टीयर थ्री की अगर मैं बात करूँ, जून में होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, जो एज पर दी नोटिफिकेशन। तो अगर टीयर थ्री जब भी होगा आपका, उसका पैटर्न भी तो बिल्कुल सेम होता है CHSL जैसा, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो CGL 2018 टीयर थ्री का पेपर देके बैठे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी लिख चुके हैं, उन्होंने भी गलतियाँ करी होगी, और इवैल्यूएशन उनका भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UFM एड्रेस की, ठीक है। UFM एड्रेस पे जाने से पहले मैं आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूँ इनकी। आप, ये है CHSL 2018 की कॉपी। इनके एक्चुअली में पहले स्टार्टिंग में कितने नंबर आए थे? 80 नंबर आए थे इनके, बाद में UFM एड्रेस करके इन्हें 0 नंबर दे दिए गए। अब UFM एड्रेस में इन्होंने क्या करा ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉपी में मेंशन क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी मिली थी उसमें ये चीज़ें मेंशन थी, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रियल और इमेजनरी। रियल इन्फॉर्मेशन भी डालनी, इमेजनरी भी इन्फॉर्मेशन ही डालनी, एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा, अदर देन द नेम एंड एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन Inside the answer book, otherwise their answer sheet will not be evaluated and they shall be awarded 0 marks. ठीक है, अगर आप कोई भी अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ भी इंफॉर्मेशन अंदर डाल देते हो जो आपको नहीं दे रखी, तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, इस पर भी बात करते हैं। तो जो टॉपिक आया था CHSL में SA का, वो था पॉपुलेशन कंट्रोल इज दी ओनली आंसर टू आर प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमें एड्रेस, नाम वगैरह की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती, एड्रेस में सबको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब आते हैं लेटर पे। लेटर का टॉपिक क्या था? देखो, ये कॉपीज हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इनके मार्क्स कितने हैं, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। अभी मेन टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, गलतियाँ जो ना करनी है आपको, ठीक है, तो वो ध्यान से समझो। अब इन्होंने क्या लिखा एड्रेस में, क्वेश्चन था आपका, यू आर शिव शिवानी, रेजिडेंट ऑफ CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन, अप्राइजिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन्स, ठीक है। अपने छोटे भाई नमन को एक पत्र लिखना था, छोटे भाई को लिखना है, मतलब क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर लिखना अपने छोटे भाई को, तुम्हारा नाम शिव या शिवानी है, तुम CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110000 के रहने वाले हो। अब इन्होंने क्या करा, एड्रेस में दे रखा था CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, ये सब तो इन्होंने सही लिख दिया, बस एड्रेस में क्या करा, गलती से 56 ऐड कर दिया, 56 एड्रेस में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या दे दिया, 0 नंबर दे दिए। ऐसा नहीं है कॉपी वैल्यूएट नहीं हुई, कॉपी वैल्यूएट हुई, SA के नंबर मिले, लेटर के नंबर मिले, बाद में UFM एड्रेस करके 0 नंबर दे दिए गए। आप देख लो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं, कहीं कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर है, नाम जो है ये भी प्रॉपर लिखा हुआ है, और इन्होंने क्या नंबर दे दिए गए, इन्हें 0 नंबर दे दिए गए, बस एड्रेस में ये 56 नंबर ऐड कर दिया इन्होंने, UFM एड्रेस लिख दिया। और जबकि ये इस बार ही हुआ है, पिछली बार CHSL 2018 में काफ़ी लोगों ने ऐसे लिखा था, उन्हें पूरे नंबर दिए गए थे, उनका एक भी नंबर कट नहीं किया गया था, इस बार नंबर कट किए गए हैं, बस एक छोटे से रीजन की वजह से, जो ये बुकलेट है, बुकलेट में यहाँ पे रियल और इमेजिनरी एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। पिछली बार खाली रियल था, मतलब पिछली बार खाली ये रखा था, कोई आपको पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी, नेम, रोल नंबर ये सब नहीं लिखना, इस बार रियल और इमेजिनरी ब्रैकेट में और डाल दिया, जिसकी वजह से नंबर क्या कर दिया, 0 कर दिए गए, ठीक है। अब कुछ और गलतियां जो आपको नहीं करनी, मैं वो कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें 0 नंबर मिले, और साथ ही साथ मैं आपको एक बार CHSL 2017 की एक और कॉपी दिखा देता हूं, जिसमें एस्पिरेंट ने सेम चीज़ें करी और उसे पूरे नंबर दिए गए हैं, ठीक है। CHSL 2017 की कॉपी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये भी देख लो एक बार, नज़र पता होना चाहिए कि पहले क्या था। CHSL 2017 की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, देखो एक चीज़ तो यहाँ पे ये लिखी हुई है,
कि सभी लोगों को क्या करना है, एक खाने में एक शब्द लिखना है, एक खाने में एक से ज्यादा शब्द नहीं लिखना, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद आगे ये दे रखा है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा इन साइड द आंसर बुकलेट, अदरवाइज द आंसर बुक विल नॉट बी वैल्यूटेड एंड दे शैल बी अवॉर्डेड 0 marks। बिल्कुल सेम टू सेम है जो पिछली कॉपी में हमने देखा, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें लिखी हुई है, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है, रियल और इमेजिनरी ब्रैकेट में, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ। अब आप जब पेपर देने जाते हो कितने लोगों की नजर पड़ती है इस चीज पे, रियल और इमेजिनरी का कुछ लिखा है या नहीं लिखा, नहीं जाती। एग्जाम से 5 मिनट पहले आपको कॉपी दी जाती है, 5 मिनट के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, यहाँ पे आपको ये बताना होता है कौन से मीडियम में आप पेपर दे रहे हो, हिंदी या इंग्लिश, अगर इसमें गलती कर दे तो 2 0 नंबर मिल जाते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं, रोल नंबर डालना होता है आपको, ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना होता है। अगर ये सारी चीजें पर आप ध्यान देते हो, कई बार ये चीजें हमसे मिस भी हो जाती है, पर ना रियल और इमेजिनरी कौन ध्यान दे रहा है इस चीज पे इतना, ठीक है, कोई अलग से गाइडलाइंस एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली भी। अब हुआ क्या, पिछली बार की कॉपी है ये, पिछली बार एस्पिरेंट को 74 नंबर मिले, मैं इनकी एक बार कॉपी दिखा देता हूँ आपको। ये कहा गया था कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट भी बनाया, ये बॉक्स टाइप की कॉपी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अंडरलाइन वगैरह कर रखा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कॉपी ऐसी भी थी जैसे एक बॉक्स में यहाँ पे दो लेटर दो वर्ड लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मार्क्स नहीं कटे, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिले हैं, बल्कि ज़्यादा नंबर मिले हैं एवरेज से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कॉपी दिखाता हूँ मैं इसमें। अब हम आते हैं मेन लेटर पे, देखो यहाँ पे सब संख्या लिखी हुई है, सब संख्या से भी कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पूछ रहे थे कि इससे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेटर का टॉपिक था आपका, यू आर महिमा जसप्रीत रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड न्यू दिल्ली, आपको लेटर लिखना था अपने छोटे भाई टिंकू को, कन्विंसिंग हिम डेट ही हैज टू मेक अ गुड करियर फॉर हिमसेल्फ, ही शुड टेक अवे हिज अटेंशन फ्रॉम अदर डाइवर्जेंस एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज ओनली, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था ऐसे का लेटर का, इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, एबीसी नगर लोधी रोड न्यू दिल्ली। एबीसी नगर कहाँ से आया, ये एड्रेस में दे तो नहीं रखा था, ये कोई एक इमेजिनरी एड्रेस है, पिछली बार इसके कोई भी मार्क्स नहीं काटे। पिन कोड पे आ जाते हैं, न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा है 11XX8, यहाँ पे भी कोई भी नंबर नहीं काटे, इन्हें पूरे नंबर दिए गए, इन्होंने यहाँ पे भी पिन कोड में ये लिख दिया, इन्होंने ये भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स क्या है पूरे, कोई भी UFM नहीं हुआ पिछली बार, इस बार एक रियल और इमेजिनरी ऐड करने की वजह से लोगों का UFM कर दिया, उनके पूरे साल भर की मेहनत बेकार कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और एस्पिरेंट की कॉपी है, इन्होंने क्या करा, गलती से ये सारी डिटेल्स अपनी फिल कर रहे थे, साइन करते हुए गलती से यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, ध्यान नहीं गया, इन्होंने क्या कर दिया, खुद का सिग्नेचर कर दिया यहाँ पे, और सिग्नेचर किसका करना था, सिग्नेचर यहाँ पे एग्जामिनर को करना था, खुद का सिग्नेचर कहीं और होता है वहाँ पे करना था, खुद का सिग्नेचर यहाँ पे होता है, यहाँ पे रोल नंबर आता है, यहाँ पे सिग्नेचर करना था खुद का, यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी थी, इन्होंने क्या कर दिया गलती से यहाँ पे एग्जामिनर के उस पर भी अपना सिग्नेचर कर दिया, ध्यान नहीं करा, एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 5 मिनट पहले कॉपी मिलती है, 1 घंटे में ऐसे और लेटर दोनों चीजें लिखनी होती हैं, तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक तो मैं इसे कह नहीं सकता, इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, इसकी वजह से क्या दे दिया इन्हें, UFM दे दिया, नेम और 0 नंबर अवॉर्ड किए गए हैं इस छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी, अभी और भी दिखाता हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है, अभी तो बहुत सारी कॉपीज है मेरे पास, अभी धीरे धीरे और कॉपी जा रही है, मैं सारी आपसे शेयर करूंगा, जिन लोगों की कॉपी आ चुकी है RTI के थ्रू वो मुझे सेंड भी कर सकते हो, ठीक। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे UFM एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस की वजह से 0 नंबर दिए गए हैं। अब एड्रेस में इन्होंने क्या करा है, मैं एड्रेस भी लेके जाता हूँ सीधा, CHSL 2018 की कॉपी है इस साल की, ठीक है, बाकी चीजों पे हम जा ही नहीं रहे, सीधा एड्रेस देखते हैं। एड्रेस में गलती क्या करी है इन्होंने, हाउस नंबर 99XX, देखो XX लगाया हुआ, मतलब प्रॉपर हाउस नंबर नहीं दे रखा, 99XX हाउस नंबर लिख दिया, इसकी वजह से इन्होंने 0 नंबर दे दिए, ठीक है। और पिछले में अभी मैंने दिखाया था CHSL 2017 में ABC नगर लिखा था, तब भी पूरे नंबर मिले थे, CGL 2017 की कॉपी भी पड़ी हुई है मेरे पास, इसमें किसी ने एड्रेस A107 लिखा हुआ, उन्हें पूरे नंबर दे रखा, कुछ नहीं काट रखा, यहाँ पे हाउस नंबर 99XX ये भी कोडिंग में लिखा हुआ है, इस पे 0 नंबर दे दिए गए, सिर्फ इस कारण की वजह से कि जो आपका लेटर था, जो यहाँ पे टॉपिक है, इसमें ये नहीं है, इन्होंने ये ऐड कर दिया, इस बार 0 नंबर दे दिए इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखो आगे फ्यूचर में आप पेपर दोगे। आप यहाँ पे देखोगे एक एस्पिरेंट है, ठीक है, इन्होंने गलती क्या करी, ये ठीक है, UFM नेम की वजह से इन्हें 0 नंबर दिए गए हैं, इन्होंने गलती से नेम मेंशन कर दिया। अब नेम किसका मेंशन कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका लेटर का टॉपिक है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे 2 नाम दे रखे हैं बस लेटर में, एक नाम दे रखा है नमन, छोटे भाई को लेटर लिखना था नमन को, और तुम्हारा नाम था शिव शिवानी। इन्होंने गलती क्या कर दी छोटी सी, वहाँ पे हम जैसे बुक वगैरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है ना नॉर्मली लेटर के लिए, कोई भी बुक आपने पढ़ी होगी उसमें कुछ इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन सब डाल देते हैं कि लव टू यंगर ब्रदर दिस, या लव टू शर्मा जी, लव टू वर्मा जी, ये सब चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया लव टू आदि, ठीक है,
वैसे दिमाग में आया होगा कोई छोटा भाई इमेजिनरी नाम लिख दिया लव टू आदि, इसकी वजह से बस इन्हें जीरो नंबर दे दिए, एक आदि नाम ऐड कर दिया। किसी एक की मेरे पास कॉपी आई थी, उसने कुछ शर्मा जी लिख दिया था बीच में, उसे जीरो नंबर दे दिया। एक और कॉपी दिखा देता हूँ आपको यूएफएम नेम की, ठीक है, ये यूएफएम नेम की एक और कॉपी है मेरे पास, ये वाली कॉपी है, इसमें तो पूरे नंबर मिले हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी है, एक और एस्पिरेंट की कॉपी है, यहाँ पे इन्होंने शर्मा परिवार लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी शायद इन्हें जीरो नंबर दिए गए थे, ठीक है। तो मेरे पास ये पूरी कॉपी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आया था, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आप पेपर देने जा रहे हो इस तरह की गलती मत करो। एक ने यहाँ पे कहीं सोनल लिख दिया था नाम बीच में, ठीक है, उसकी वजह से उन्हें जीरो नंबर दे दिए। अब सीजल 18 की बात करें, सीजल 2018 में कुछ लोगों ने वेटर का नाम लिख दिया, वहाँ पे जिडू रेस्टोरेंट को लेटर लिखना था, ठीक है, कि मैनेजिंग स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो लोगों ने इमेजिनरी नाम डाल दिया वेटर का, किसका ने बिहेवियर खराब करा है, तो उसे भी हो सकता है जीरो नंबर दे दिया जाए। अगर सीएचएसएल में जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है, तो उन्हें भी जीरो नंबर दिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं अब तक, जो जो कॉपी चाहिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सही होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एससी ने अपनी तरफ से नहीं दी, और उसके बाद भी इन लोगों को ऐसे जीरो जीरो नंबर दे दिए। तो जिन लोगों के साथ हुआ है हुआ है, लेकिन जो आगे के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को ये कह देता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। पूरे साल भर की मेहनत, कितने भी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, सारी एक मिट्टी में मिल जाएगी अगर छोटी सी ये गलती आपने कर दी। तो ये गलतियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, और भी वीडियो में लेके आऊँगा इससे, और कुछ कुछ गलतियाँ होंगी जिसमें लोगों को यूएफएम मिला होगा, वो भी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में ये गलती ना करके आओ, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।